अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू द चैनल। आयशा मेरे साथ है और कल की ड्राइंग जो मैंने की थी उस पर मैं इंशाल्लाह आज घर जाके कलर करूँगा। मैं आयशा के साथ एक काम के सिलसिले में आया हुआ हूँ, इंशाल्लाह काम कर लें तो काम करने के बाद इंशाल्लाह घर जाके आपको कलर करके दिखाते हैं ड्राइंग पे, ठीक है? चलें, आयशा भी साथ मेरे बैठेगी, ठीक है? चलें जी, हम अभी ज़रा काम कर लें फिर हम घर जाते हैं। आइसक्रीम खानी है? भाई आयशा कह रही है आइसक्रीम खानी है, और सामने बिल्कुल न्यू जो है आइसक्रीम की शॉप आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम शॉप है। मैं वाइड एंगल करके दिखाता हूँ आपको, न्यू शॉप खुली है, ओपन हुई है गोजरा में, तो देखते हैं टेस्ट करते हैं इनकी आइसक्रीम कैसी है। चले भी आ जाए आयशा। अंजू भी आया हुआ है, अंजू भी आया हुआ है, अंजू तो बहुत प्यारा लग रहा है। आयशा ने आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम फिर जाके ड्राइंग करते हैं। ये चेक करें भाई, ये जगह आइसक्रीम आ गई है भाई। वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त। आपको तो लेकर दे दी, अब मैं चेक करता हूँ कैसी है ये। हाँ, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल जी। तो व्यूवर्स, मैं घर पहुँच गया हूँ और कलर मैं आपको दिखाता चलूँ। ये कलर्स हैं मेरे पास, ये पेंसिल कलर्स हैं और ये आयशा के हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास यही अवेलेबल हैं तो मैं इन्हीं से कलर करूँगा। कल मैंने ये ड्रॉ की थी, आपको मैंने दिखाई थी, और अब हम इसमें कलर करते हैं। सबसे कलर, पहले कलर मैं रेड लूँगा, और रेड जो है वो मैं इसमें करूँगा। कलर को बड़ी नफासत से किया जाता है और बड़ा ध्यान रखा जाता है कि कोई जगह खाली ना रह जाए, क्योंकि कलर एक ऐसा पार्ट होता है जो मोस्टली जो होते हैं बच्चे भी जब करते हैं स्कूल्स में, खासतौर पे प्ले ग्रुप में या नर्सरी में, तो उधर भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है और टीचर्स जो हैं वो काफ़ी ध्यान से जो हैं वो बच्चों को कलर करना सिखाती हैं। देखिए, मैंने इसमें कलर किया है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अभी साथ में जो है वो ये मैं येलो कलर लूँगा। ये देखें, येलो कलर है, यह बिल्कुल दरमियान में करूँगा, सेंटर में। ये कलर है स्काई कलर है, और ये मैं करूँगा, ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है साइडों पे। यहाँ पे करूँगा, अच्छा बड़ा ध्यान से करना पड़ता है कलर, क्योंकि एक्यूरेसी होती है बेसिकली। ये जो आपकी ये फिंगर्स होती हैं, दो फिंगर्स होती हैं, ठीक है? इनमें से ये जो फिंगर्स होती है ना आपकी, देखें ये पांच फिंगर्स हैं, इनमें से ये जो फिंगर होती है ना, असल में ये आपको सपोर्ट करती है पेंसिल्स को आपने किस तरह से मूव करना है। तो पेंसिल को आपने अगर मूव करना है तो ये देखें, ये नीचे ये फिंगर है, तो ये मूव इस तरह से मूव होना है, इसने पेंसिल ने इस तरह से मूव होना है, और आपने यहाँ से पेंसिल को पकड़ना है। तो और यही बताती है किस डायरेक्शन में जो है आप जो है वो कलर कर रहे हैं, या आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं पेंटिंग के हवाले से या ड्राइंग के हवाले से। तो ये चीज़ें बड़ी देखनी पड़ती हैं। अच्छा, बचपन में मेरा जो शौक था वो अब्बू के देख
की तरफ देखकर हुआ, क्योंकि अब्बू को काफ़ी शौक हुआ करता था ड्राइंग का, और वो ड्राइंग किया करते थे और उनको मैं देखा करता था। और ना तो मैंने कहीं से सीखा है, मैंने सिर्फ अपने अब्बू को फॉलो किया और मैंने उनको देखा कि वो किस तरह से जो है वो, मैं उनको देखा करता था। और वो चार्ट बनाते थे डिफरेंट कलर्स के मुख्तलिफ, क्योंकि मेरे अब्बू जो हैं वो रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, वो टीचिंग किया करते थे, तो वहाँ पर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स कहते थे सर हमें जो है वो चार्ट बना दें या हमें ड्राइंग सिखा दें, तो मैं भी साथ हुआ करता था तब, तो मैं भी सीखा करता था, मतलब सीखता तो नहीं था लेकिन मैं देखा ज़रूर करता था। और देखने से, जब आप गौर से कोई भी चीज़ देखते हैं तो आपको आ जाती है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप भी इसको देखें गौर से, ताकि आपको भी ड्राइंग जो है वो प्रॉपर तरीके से आ सके। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, खुशायंद बात है, और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो है ये कर रहा हूँ, एक न्यू जो डिज़ाइन है वो लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ये वाली जगह जो है, इसमें हम हल्का सा येलोइश सा टोन देते हैं, येलोइश, थोड़ा सा ग्रीनरी भी आ जाएगी, ये थोड़ा सा ना येलो टच भी है, इसको आदम ग्रीन कहते हैं, और ये बड़ा ज़बरदस्त कलर है ये वाला जो मैं कर रहा हूँ इस टाइम। ये आप देखें, इसमें बड़ी महारत की ज़रूरत होती है, और बड़ी तसल्ली से बड़े इत्मीनान के साथ जो है इसको करना पड़ता है। चलें जी, ये पार्ट तो हो गया, चलें जी अब ब्राउन शेड लेकर आते हैं और ब्राउन कलर करके देखते हैं कि ब्राउन कलर जो है वो इस साइड पे जो है वो कैसा लगता है। देखें, डिज़ाइन जो होता है वो कोई भी हो, लेकिन उसको अगर अच्छे से बनाया जाए और अच्छे से उसको प्यार से उसकी क्रिएशन की जाए, क्योंकि जो क्रिएटर होता है उसके माइंड में पहले से होता है कि उसने क्या चीज़ क्रिएट करनी है और किस तरह से बनाना है, चाहे आप ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं या कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, तो एक पहले से माइंड में स्केच बना होता है और बन जाता है। अब ये वाला जो कल मैंने आपको ये डिज़ाइन जो बनाया है, ड्राइंग करके दी है, मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं ये बनाऊंगा और बिल्कुल इस तरह से बनाऊंगा, बस मैंने पेंसिल उठाई और आपको बना के दिखा दिया। तो चूँकि ये मेरी मेरे पास एक आर्ट है, एक हुनर है, तो मेरे माइंड में अचानक से आ जाता है डिज़ाइन और मैं उसको जो है ना वो बना देता हूँ। और फिर ये है कि आई होप कि ये, अब आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कल का डिज़ाइन, कल की ड्राइंग कैसी लगी। मैंने कल अपलोड कर दी थी ये ड्राइंग करके, लेकिन आज मैं इसमें कलर कर रहा हूँ, तो ये आप लोगों ने बताना है कि आपको इसमें जो मज़ीद कलरिंग है वो कैसी लगी, और ये आपको जो स्केच मैंने बनाया है, ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया है, ये आपको डिज़ाइन कैसा लगा, क्या आपने कभी पहले ये डिज़ाइन देखा है तो वो भी बताइएगा लाजमी, क्योंकि ये मेरी खुद की क्रिएशन है, ना तो मैंने ये कहीं डिज़ाइन देखा है, और बाकी ये मैंने जो बनाया है बिल्कुल खुद से बनाया है। और ये देखिए, मैंने ब्राउनिश सा इस पर मैंने डिज़ाइन कर दिया है, और आई होप, उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगा, और आज की ये जो मैंने क्रिएशन की है, ड्राइंग की है, उम्मीद तो मैं ये करता हूँ बहुत ज़्यादा। और देखें, कोई भी जो काम है वो दिल से किया जाए तो वो ज़रूर जो है वो लोगों को अच्छा भी लगता है, पसंद भी आता है। और आपने बताना है कि कैसा लगा है। मेरे भाई हैं, एक मेरे बड़े अच्छे कज़न हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया है ये वाला,
कि भाई आप ये जो है काम स्टार्ट करें, तो क्योंकि आपके पास एक आर्ट है, फन है, तो आप ये भी अपने चैनल पे जो है वो करें। वैसे तो मेरा चैनल डिफरेंट है, अगर इस पता है डिफरेंट वीडियोस तो आप मेरे चैनल पे देखते रहते हैं। इसमें फूड ब्लॉग्स भी होते हैं, डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस भी होते हैं, लेकिन ये मैंने एक नया प्लेलिस्ट जो है अपने क्रिएट की है आर्ट बाय उस्मान के नाम से, और इसी चैनल पे आर्ट बाय उस्मान के नाम से। तो ये उम्मीद करूँगा कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और इंशाल्लाह मज़ीद ड्राइंग्स जो हैं वो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए इस चैनल पे, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो ये देखें जी, मैंने इसमें कलर कर दिया है। अब आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल को, और इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, अस्सलामुअलैकुम।